हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग? होप आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। ऑर्निक में लास्ट क्लास में हमने आपको पढ़ाया कि आइसोमर्स होते क्या हैं, जिसमें आपने डेफिनेशन देखा कि जो दो या दो से ज़्यादा कंपाउंड जिनका मॉलिकुलर फार्मूला सेम है लेकिन फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज में डिफरेंस होता है, तो इस तरह के कंपाउंड को बोलते हैं आइसोमर है, और इस फिनोमिना को बोलते हैं आइसोमरिज्म। फिर उसके बाद हमने आपको दिखाया कि ये आइसोमर्स दो तरह से क्लासिफाई होते हैं, एक जिसको बोलते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमर, जिसका एक नाम कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर भी होता है, और दूसरा स्टीरियो आइसोमर्स। स्ट्रक्चरल आइसोमर्स फर्दर पांच होते हैं, चेन, पोजिशनल, फंक्शनल, मेटामर, टॉटमर, और स्टीरियो फर्दर दो होते हैं, कॉन्फिग्रेशनल, कॉन्फॉर्मेशनल। कॉन्फिग्रेशनल भी फर्दर दो होते हैं, एक ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स और दूसरा ऑप्टिकल आइसोमर्स। अब जब हम कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स या स्ट्रक्चरल आइसोमर्स को देख रहे थे, तो उसमें हमने आपको सबसे पहले पढ़ाया चेन आइसोमर्स। तो चेन आइसोमर जिसमें आपको दिमाग में क्या रखना है कि डिफर इन मेन चेन और साइड चेन, लेकिन फंक्शनल ग्रुप सेम होना चाहिए। मतलब ऐसा स्ट्रक्चरल आइसोमर्स जिसके मेन चेन में या साइड चेन में डिफरेंस होता हो लेकिन फंक्शनल ग्रुप सेम होता हो, तो इस तरह के आइसोमर को बोलते हैं चेन आइसोमर्स। चलिए आज हम देखते हैं दूसरा, पोजिशनल आइसोमर्स। चलिए हेडिंग डालिए पोजिशनल आइसोमर्स। पोजिशनल आइसोमर्स, तो ये पोजिशनल आइसोमर्स क्या होती हैं, या यूं कहें कि पोजीशन हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में किसकी किसकी सोचते हैं। तो पोजीशन ऑर्गेनिक में मेन होता है फंक्शनल ग्रुप का, जैसे ब्यूटेन वन ऑल, ब्यूटेन टू ऑल, या पोजीशन हो सकता है मल्टीपल बॉन्ड का, जैसे ब्यूट वन ईन, ब्यूट टू ईन, या पोजीशन हो सकता है सब्स्टिट्यूशन का, जैसे वन क्लोरोब्यूटेन, टू क्लोरोब्यूटेन। तो पोजीशन वाली बात ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तीन चीज़ की जाती है, एक फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन की बात होती है, दूसरा मल्टीपल बॉन्ड की पोजीशन की बात होती है, और तीसरा सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन की बात होती है। मतलब अगर कार्बन की मेन चेन या कार्बन के साइड चेन या फंक्शनल ग्रुप में अंतर ना हो, कार्बन की मेन चेन, कार्बन के साइड चेन, फंक्शनल ग्रुप में अंतर ना हो, और उसके बाद अगर पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप, पोजीशन ऑफ मल्टीपल बॉन्ड, पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूशन में अंतर कर रहे हो, तो इस तरह के स्ट्रक्चरल आइसोमर को नाम देते हैं पोजिशनल आइसोमर्स है। मतलब पोजिशनल आइसोमर्स में जो आपको याद रखना है वही याद रखना है कि डिफर इन पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप मल्टीपल बॉन्ड और सब्स्टिट्यूएंट। तो पोजिशनल आइसोमर्स आर दोज स्ट्रक्चरल आइसोमर्स विच डिफर इन पोजिशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप, पोजिशन ऑफ मल्टीपल बॉन्ड और पोजिशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। लेकिन याद रखिएगा कि कार्बन के मेन चेन, कार्बन के साइड चेन में अंतर नहीं होना चाहिए। अगर कार्बन के मेन चेन में अंतर हो गया, कार्बन के साइड चेन में अंतर हो गया, फंक्शनल ग्रुप बदल गया, तब वो पोजिशनल आइसोमर नहीं होगा। तो फिर से मेन चेन में अंतर ना हो, साइड चेन में अंतर ना हो, फंक्शनल ग्रुप सेम हो, और उसके बाद अगर पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप, पोजीशन ऑफ मल्टीपल बॉन्ड, पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूशन में अंतर आ रहा है, तो इस तरह के स्ट्रक्चरल आइसोमर को बोलना है पोजीशनल आइसोमर। जैसे अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर ब्यूटेन वन ऑल, अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर ब्यूटेन टू ऑल, अगर मैं बात करता हूँ यहाँ ब्यूट वन ईन, अगर मैं बात करता हूँ यहाँ ब्यूट टू ईन, अगर मैं बात करता हूँ वन क्लोरोब्यूटेन, अगर मैं बात करता हूँ टू क्लोरोब्यूटेन, तो क्या पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप, यहाँ पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप वन है, यहाँ पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप टू है, तो पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप, यहाँ पोजीशन मल्टीपल बॉन्ड वन है, यहाँ पोजीशन मल्टीपल बॉन्ड टू है, पोजीशन ऑफ मल्टीपल बॉन्ड, यहाँ पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्लोरो वन है, यहाँ पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्लोरो टू है, तो पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। मतलब तीन ही चीज़ की बात कर रहा हूँ, एक बात कर रहा हूँ पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप, एक बात कर रहा हूँ पोजीशन ऑफ मल्टीपल बॉन्ड, और एक बात कर रहा हूँ पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। कार्बन के मेन चेन,
कार्बन के साइड चेन फंक्शनल ग्रुप में अंतर ना हो, और उसके बाद अगर मेन उसके बाद अगर पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप, पोजीशन ऑफ मल्टीपल बॉन्ड या पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूशन में अंतर आ रहा है तो इस तरह का आइसोमर्क बोलना है पोजिशनल आइसोमर, याद रहेगा। चलिए तो आप लोगों ने अभी तक चेन आइसोमर देख लिया, आपने अभी तक पोजिशनल आइसोमर देख लिया। अब इसी के बेसिस पे अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछ लूँ कि दिए हुए कंपाउंड में बताइए किस तरह का रिलेशनशिप है, क्या ये आपस में चेन आइसोमर है या आपस में पोजिशनल आइसोमर है, बता दोगे? आराम से सोचिएगा। जैसे मान लीजिए आपको मैं दे रहा हूँ यहाँ पांच कार्बन हमने ऐसे बना दिया, यहाँ पर डबल बॉन्ड बना दिया, पांच कार्बन ऐसे बना दिया, यहाँ डबल बॉन्ड बना दिया, पांच कार्बन ऐसे बना के यहाँ डबल बॉन्ड, पांच कार्बन ऐसे बना के यहाँ डबल बॉन्ड, पांच कार्बन ऐसे बना के यहाँ पर डबल बॉन्ड, मतलब मैंने C5H10 के कुछ स्ट्रक्चर्स बना दिए। इसमें अगर मैं इसको नंबर दे दूँ 1, इसको नंबर दे दूँ 2, इसको नंबर दे दूँ 3, इसको नंबर दे दूँ 4 और इसको नंबर दे दूँ 5, और आपसे पूछ लें कि पहला और दूसरा किस तरह का आइसोमर है, तो क्या कहोगे? सबसे पहले चेन आइसोमर के बारे में सोचो कि क्या कहीं मेन चेन या साइड चेन में अंतर तो नहीं है। सोचो पांच कार्बन की मेन चेन, पांच कार्बन की मेन चेन, मतलब मेन चेन तो सेम है, और जो मेन चेन सेम है, साइड चेन है नहीं, मतलब चेन आइसोमर है नहीं, फंक्शनल ग्रुप सेम है, अल्कीन अल्कीन है, मतलब फंक्शनल ग्रुप में भी कोई चेंज नहीं है। अब पोजीशन मल्टीपल बॉन्ड देखो, यहाँ पोजीशन मल्टीपल बॉन्ड 1 पेंट 1 इन, यहाँ पोजीशन मल्टीपल बॉन्ड 2 पेंट 2 इन, तो पहला दूसरा आप जो बोलोगे वो क्या बोलोगे? पोजिशनल आइसोमर्स हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि जो दूसरा है और तीसरा है इनके बीच में क्या रिलेशन है, तो ध्यान से देखो 1 2 3 4 5 पांच कार्बन की मेन चेन, लेकिन यहाँ 1 2 3 4 चार कार्बन की मेन चेन हम यहाँ यूज करने वाले हैं पेंट टू इन, पेंट टू इन, और यहाँ यूज करने वाले हैं 2-methyl-but-1-ene ब्यूट, मतलब मेन चेन में अंतर आ गया। तो जब मेन चेन में अंतर आ गया तो जो बात करोगे ये बात करोगे चेन आइसोमर्स, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि तीसरा और चौथा ये आपस में किस तरह के आइसोमर्स हैं, तो तीसरे का अगर देखो तो 1 2 3 4 मेन चेन चार का, 1 2 3 4 मेन चेन चार का मिथाइल सब्स्टिट्यूशन, मतलब यहाँ भी ब्यूट यूज़ करने वाले हो, यहाँ भी ब्यूट यूज़ करने वाले हो, यहाँ भी मिथाइल यूज़ करने वाले हो, यहाँ भी मिथाइल यूज़ करने वाले हो, मतलब मेन चेन सेम है, साइड चेन सेम है, लेकिन पोजीशन मल्टीपल बॉन्ड ये क्या है 2-methyl-but-1-ene और ये क्या है 2-methyl-but-2-ene, तो पोजीशन ऑफ मल्टीपल बॉन्ड में अंतर है, और जब पोजीशन ऑफ मल्टीपल बॉन्ड में अंतर है तो ये जिसका एग्जाम्पल है ये कौन सा है पोजिशनल आइसोमर्स। अगर आपसे पूछा जाए कि जो चौथा है और पांचवा है ये आपस में किस तरह के आइसोमर्स हैं, तो देखो चौथा 1 2 3 4 ब्यूट यूज होने वाला है, मिथाइल यूज होने वाला है, यहाँ 1 2 3 4 ब्यूट यूज होने वाला है, मिथाइल यूज होने वाला है, तो मेन चेन सेम है, साइड चेन सेम है, अंतर कहाँ है? अंतर है पोजीशन ऑफ मल्टीपल बॉन्ड में, अंतर है पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूशन में। यहाँ नाम देने वाले हो 2-methyl-but-2-ene और यहाँ नाम देने वाले हो 1 2 3 3-methyl-but-1-ene, तो 1-ene 2-ene 2-methyl 3-methyl, तो पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूशन, पोजीशन ऑफ मल्टीपल बॉन्ड में अंतर है, और जो पोजीशन में अंतर है तो दैट मीन्स इसे भी जो बोलना है वो क्या बोलना है पोजिशनल आइसोमर्स है, याद रहेगा। तो फिर से बोल रहा हूँ चेन आइसोमर का मतलब दोज स्ट्रक्चर ऑफ आइसोमर्स विच डिफर इन मेन चेन और साइड चेन बट फंक्शनल ग्रुप सेम होना चाहिए, उसे बोलना है चेन आइसोमर। और जो पोजिशनल आइसोमर की बात कर रहे हैं तो क्या बोलना है कि पोजिशनल आइसोमर्स आर दोज स्ट्रक्चरल आइसोमर्स विच डिफर इन पोजिशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप, डिफर इन पोजिशन ऑफ मल्टीपल बॉन्ड, डिफर इन पोजिशन ऑफ सब्स्टिट्यूशन, कीपिंग नो चेंज इन मेन चेन, साइड चेन और फंक्शनल ग्रुप, मतलब फंक्शनल ग्रुप मेन चेन साइड चेन में अंतर ना हो, और उसके बाद अगर पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप मल्टीपल बॉन्ड सब्स्टिट्यूशन में अंतर हो रहा है तो उस तरह के स्ट्रक्चरल आइसोमर को जो नाम देना है पोजिशनल आइसोमर्स।
सोचिए, अगर मान लो मैं ऐसा एग्जांपल बना दूं, पांच कार्बन की एक रिंग ये बना दूं, पांच कार्बन हम ऐसे बना दें, पांच कार्बन हम ऐसे बना दें, पांच कार्बन हम ऐसे बना दें, पांच कार्बन हम ऐसे बना दें। अब क्वेश्चन आपसे पूछ ले, अगर मैं इसे नंबर दे दूं 1, इसे नंबर दे दूं 2, इसे नंबर दे दूं 3, इसे नंबर दे दूं 4 और इसे नंबर दे दूं 5। अब क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि फर्स्ट और सेकंड आपस में किस तरह के आइसोमर्स हैं, तो क्या कहोगे? मेन चेन 5 का पेंट यूज होने वाला है, मेन चेन 4 का ब्यूट यूज होने वाला है। तो जब मेन चेन में अंतर आ गया, दैट मीन्स इसे क्या बोलोगे? चेन आइसोमर्स। बस में आ गई, यहाँ पे नाम होने वाला है साइक्लोपेंटेन, यहाँ यूज होने वाला है मिथाइल साइक्लोब्यूटेन। तो ब्यूट यहाँ पेंट मतलब मेन चेन में अंतर आ गया, और जो मेन चेन में अंतर आ गया मतलब है कौन सा? चेन आइसोमर्स। अगर आपसे पूछा जाए कि दूसरा और तीसरा ये आपस में किस तरह का आइसोमर्स है, तो दूसरे में यूज होने वाला है साइक्लोब्यूट, यहाँ यूज होने वाला है साइक्लोप्रोप, अगेन मेन चेन में अंतर आ गया। साइड चेन यहाँ मिथाइल, यहाँ इथाइल, मतलब साइड चेन में भी अंतर आ गया। तो अगर मेन चेन में अंतर आ गया, साइड चेन में अंतर आ गया, तो है कौन सा? ये आपस में चेन आइसोमर है। टी भी जिसका एग्जांपल है, ये क्या है? चेन आइसोमर है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि तीसरा और चौथा ये आपस में किस तरह के आइसोमर्स हैं, तो ध्यान से देखें, साइक्लोप्रोप साइक्लोप्रोप मेन चेन तो सेम है, लेकिन साइड चेन इथाइल, साइड चेन मिथाइल मिथाइल, तो साइड चेन में अंतर आ गया, और साइड चेन में अंतर आ गया, ये जिसके एग्जांपल हैं, ये कौन से हैं? चेन आइसोमर। लेकिन ध्यान से ज़रा चौथे को और पांचवे को देखिए, चौथे को पांचवे को देखिए, तो यहाँ साइक्लोप्रोप, यहाँ भी साइक्लोप्रोप मेन चेन सेम है, यहाँ पर मिथाइल मिथाइल, यहाँ भी मिथाइल मिथाइल, साइड चेन सेम है। अब अंतर कहाँ आ रहा है? यहाँ पर मिथाइल की पोजिशन 1-1 डाइमिथाइल, लेकिन यहाँ मिथाइल की पोजीशन 1-2 डाइमिथाइल, तो क्या पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूशन में अंतर नहीं है? और जो पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूशन में अंतर है, तो इसे क्या बोलना है? पोजिशनल आइसोमर्स। याद रहेगा, तो केवल इक्विवेलेंट पिक्चर ये बताना है बेटा कि अगर मेन चेन में अंतर नहीं है, साइड चेन में अंतर नहीं है, फंक्शनल ग्रुप में अंतर नहीं है, और उसके बाद अगर पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप मल्टीपल बॉन्ड सब्स्टिट्यूशन में अंतर है, तो इस तरह के स्ट्रक्चरल आइसोमर्स को बोलना है पोजिशनल आइसोमर्स है। याद रहेगा। चलिए अब लोग देखते हैं तीसरा, फंक्शनल आइसोमर्स। चलिए अब तीसरा हेडिंग डालिए, फंक्शनल आइसोमर्स। फंक्शनल आइसोमर्स, जैसा नाम से ही लग रहा है, फंक्शनल आइसोमर मतलब फंक्शनल ग्रुप से कुछ ना कुछ लेना देना होगा। सही बात है, होता भी है। तो ऐसा स्ट्रक्चरल आइसोमर जिसके फंक्शनल ग्रुप में डिफरेंस होता है, ऐसा स्ट्रक्चरल आइसोमर जिसके फंक्शनल ग्रुप में डिफरेंस होता है, नेचर ऑफ रिएक्शन में अंतर होता है, उस तरह के स्ट्रक्चरल आइसोमर को नाम क्या देते हैं? फंक्शनल आइसोमर। तो यहाँ आपको दिमाग में रखना है डिफर इन फंक्शनल ग्रुप कि अगर फंक्शनल ग्रुप में अंतर हो रहा है, केमिकल रिएक्शन के नेचर में अंतर हो रहा है, तो वो आपस में फंक्शनल आइसोमर है। जैसे अगर मैं बात करता हूँ अल्कोहल का, अगर मैं बात करता हूँ ईथर का, तो अल्कोहल और ईथर आपस में किस तरह के आइसोमर हैं? ये आपस में फंक्शनल आइसोमर है, क्योंकि इसका नेचर ऑफ केमिकल रिएक्शन अलग होता है, इसका नेचर ऑफ केमिकल रिएक्शन अलग होता है। यहाँ पर एसिडिक हाइड्रोजन है, जब सोडियम मेटल डालोगे तो हाइड्रोजन गैस निकलेगा, और यहाँ एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है, सोडियम मेटल डालोगे हाइड्रोजन गैस बाहर नहीं निकलेगा। एसिडिक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम से सीधे जुड़ा हुआ हाइड्रोजन, उसे एसिडिक हाइड्रोजन बोलते हैं। मतलब हैलोजन से सीधे जुड़ा हुआ हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से सीधे जुड़ा हुआ हाइड्रोजन, सल्फर से सीधे जुड़ा हुआ हाइड्रोजन, ठीक है, नाइट्रोजन से सीधे जुड़ा हुआ हाइड्रोजन, उसे एसिडिक हाइड्रोजन कहते हैं, जो प्रोटॉन के रूप में निकल सकता है। लेकिन अगर कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, तो प्रोटॉन के रूप में नॉर्मली नहीं निकलता है, और अगर नहीं निकलता है, तो यहाँ एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है, यहाँ एसिडिक हाइड्रोजन है। और जब यहाँ एसिडिक हाइड्रोजन है, तो सोडियम मेटल डालने से हाइड्रोजन गैस निकला, तो इसका रिएक्शन अलग है, और यहाँ नहीं निकला, इसका रिएक्शन अलग है। तो रिएक्शन अलग है मतलब फंक्शनल आइसोमर है, फंक्शनल ग्रुप ही बदल गया। अगर मैं बात करता हूँ एल्डिहाइड,
अगर मैं बात करता हूँ एल्डिहाइड, अगर मैं बात करता हूँ कीटोन, फंक्शनल ग्रुप बदल गए, नेचर ऑफ रिएक्शन बदल गया। यहाँ टॉलरेंस रिएजेंट के द्वारा रिएक्शन होगा, लेकिन यहाँ टॉलरेंस रिएजेंट के द्वारा रिएक्शन नहीं होगा। यहाँ फैलिंग सॉल्यूशन के द्वारा रिएक्शन होगा, यहाँ फैलिंग सॉल्यूशन के द्वारा रिएक्शन नहीं होगा। तो नेचर ऑफ रिएक्शन बदल गया, और नेचर ऑफ रिएक्शन बदल गया, फंक्शनल ग्रुप बदल गया, फंक्शनल आइसमर है। अगर मैं लेता हूँ कार्बोक्सिलिक एसिड, अगर मैं लेता हूँ कार्बोक्सिलिक एसिड, अगर मैं लेता हूँ एस्टर, अगर मैं लेता हूँ एस्टर, तो कार्बोक्सिलिक एसिड एस्टर ये भी आपस में फंक्शनल आइसमर है। यहाँ पर सोडियम बाइकार्बोनेट डालोगे तो कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगा, यहाँ सोडियम बाइकार्बोनेट डालोगे कार्बन डाइऑक्साइड नहीं निकलेगा। तो नेचर ऑफ रिएक्शन में बदलाव आ गया, डैट मीन्स ये फंक्शनल आइसमर है। ये चूंकि अभी आपने रिएक्शन नहीं पढ़ा है, बस फंक्शनल ग्रुप पढ़ा है, तो फंक्शनल ग्रुप के डिफरेंस को समझिए। फंक्शनल ग्रुप बदल गए, फंक्शनल ग्रुप बदल गए, फंक्शनल ग्रुप बदल गए, और अगर फंक्शनल ग्रुप बदल गए तो ये फंक्शनल आइसमर हो गए, याद रहेगा। चलिए, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो देखने में आपको लगेंगी फंक्शनल आइसमर नहीं है। आपको देखने से लगेगा या तो वो चेन आइसमर है या तो वो पोजिशनल आइसमर है, लेकिन केयरफुल रहिएगा, उनके नेचर ऑफ रिएक्शन में अंतर होता है। और जो नेचर ऑफ रिएक्शन में अंतर होता है तो वो जिस कैटेगरी में आते हैं वो कैटेगरी फंक्शनल आइसमर है। तो कुछ जगहें जहाँ आपको थोड़ा सचेत होना है, मतलब आपको सचेत होना है कि सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड अगर OH है और बेंजीन से कनेक्टेड अगर OH है तो इसके नेचर ऑफ केमिकल रिएक्शन में अंतर होता है। सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड OH है तो इसे अल्कोहल बोलते हैं, और बेंजीन से कनेक्टेड OH है इसे फिनॉल बोलते हैं। मतलब इसका नेचर ऑफ रिएक्शन अलग होता है, इसका नेचर ऑफ रिएक्शन अलग होता है। तो ऐसे कंपाउंड्स जिनमें ये आइसोमेरिक रिलेशन शो करते हों तो ये जिस कैटेगरी में जाएंगे वो कैटेगरी कौन सी है, फंक्शनल है। जैसे अगर मान लो मैं यहाँ पर बेंजीन ले लेता हूँ और बेंजीन के ऊपर यहाँ मिथाइल ग्रुप लगा देता हूँ, बेंजीन ले लेता हूँ और बेंजीन के ऊपर यहाँ मिथाइल ग्रुप लगा देता हूँ। एक केस में मैं यहाँ पर लगा देता हूँ OH, और एक केस में इन तीनों में से कहीं एक जगह लगा देता हूँ OH, ये बना लिए। तो आपको पहले ऑब्जर्वेशन में ऐसा लगेगा कि OH की पोजीशन में अंतर है, यहाँ पे लगा दें और यहाँ पे लगा दें, तो पहला ऑब्जर्वेशन कहेगा कि OH की पोजीशन में अंतर है। और सबसे पहले आप हो सकता है जल्दबाजी में बोल दो पोजिशनल आइसमर है, लेकिन यहाँ पर सिंगल बॉन्ड से लगा हुआ OH, यहाँ बेंजीन से लगा हुआ OH, मतलब ये अल्कोहल है और ये फिनॉल है। और जब ये अल्कोहल है और ये फिनॉल है तो ये आपस में जो रिलेशनशिप शो करेंगे वो रिलेशनशिप होगा फंक्शनल आइसमर। तो अच्छी तरीके से दिमाग में बैठा लीजिएगा कि सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड OH और बेंजीन से कनेक्टेड OH, इन दोनों के नेचर ऑफ रिएक्शन में अंतर होता है। और जो दोनों के नेचर ऑफ रिएक्शन अंतर होता है, दैट मीन्स फंक्शनल आइसमर है। मतलब केवल ये पिक्चर नहीं होना चाहिए कि बस OH देखा, मतलब रिएक्शन एक है। OH किसके साथ कनेक्टेड है ये भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर OH कार्बन के सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड है तो उसका नाम अल्कोहल होता है, अगर OH कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से कनेक्टेड है उसका नाम इनॉल होता है, अगर OH बेंजीन से कनेक्टेड है उसका नाम फिनॉल होता है, अगर OH CO से कनेक्टेड होता है उसे कार्बोक्सिलिक एसिड कहते हैं, अगर OH SO2 से कनेक्टेड होता है उसे सल्फोनिक एसिड कहते हैं, और अगर OH कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन से कनेक्टेड होता है उसे ऑक्साइम कहते हैं। मतलब ऑक्साइम का नेचर ऑफ केमिकल रिएक्शन अलग होता है, सल्फोनिक एसिड का नेचर ऑफ केमिकल रिएक्शन अलग होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड का नेचर ऑफ रिएक्शन अलग होता है, फिनॉल अल्कोहल के नेचर ऑफ केमिकल रिएक्शन अलग होते हैं। तो ये कभी आइसोमेरिक फॉर्म में आ जाएं तो जिस कैटेगरी में आपको भेजना है वो कैटेगरी फंक्शनल है। नॉर्मली जिससे क्वेश्चन आते हैं वो क्वेश्चन आ सकता है अल्कोहल से, क्वेश्चन आ सकता है फिनॉल से, क्योंकि आपके सिलेबस में है। दूसरा जहाँ पे आपको थोड़ा सचेत रहना है वो सचेत रहना है साइक्लोअल्कीन और अल्कीन में। मतलब यहाँ कार्बन कार्बन का डबल बॉन्ड मतलब अनसैचुरेटेड है, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड मतलब सैचुरेटेड है। यहाँ पे जब ब्रोमीन वाटर डालोगे तो डीकलराइज कर जाएगा, यहाँ ब्रोमीन वाटर डालोगे डीकलराइज नहीं करेगा। मतलब इसका नेचर ऑफ रिएक्शन अलग है, इसका नेचर ऑफ रिएक्शन अलग है। तो साइक्लोअल्कीन और अल्कीन भी जिस कैटेगरी में आती हैं वो कैटेगरी कौन सी है, फंक्शनल है। चूंकि एक रिंग में है और एक डबल बॉन्ड ओपन चेन में है तो कभी कभी इसी को रिंग चेन आइसोमर भी कह देते हैं।
तो रिंग चेन आइसमर, रिंग चेन आइसमर कोई नई चीज नहीं है, बल्कि रिंग चेन आइसमर एक नाम है फंक्शनल आइसमर्स का। मतलब साइक्लो अल्कीन और अल्कीन आपस में फंक्शनल आइसमर या आपस में रिंग चेन आइसमर। तो 11th क्लास में जब हाइड्रोकार्बन चैप्टर पढ़ रहे होते हैं तो हाइड्रोकार्बन इसको लेकर रिंग चेन आइसमर समझा देते हैं, लेकिन जो 12th क्लास में हाइड्रोकार्बन का डेरिवेटिव पे आते हैं तो चैप्टर के लिमिटेशन से निकल जाते हैं, और जो चैप्टर के लिमिटेशन से निकल जाते हैं तो कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। केयरफुल रहिएगा, फंक्शनल आइसमर। अब वहाँ पर फंक्शनल आइसमर दिखा सकते हैं, तो रिंग चेन आइसमर कोई नई चीज़ नहीं है, बल्कि रिंग चेन आइसमर फंक्शनल आइसमर का ही एग्जाम्पल है। तीसरा जो आपको दिमाग में रखना है, अमीन्स। अमीन्स, अमीन्स में याद रखिएगा कि अगर नाइट्रोजन के एक तरफ कार्बन है तो इसे बोलते हैं प्राइमरी अमीन, नाइट्रोजन के दो तरफ कार्बन है इसे बोलते हैं सेकेंडरी अमीन, और नाइट्रोजन के अगर तीनों तरफ कार्बन है इसे बोलते हैं टर्शरी अमीन। तो प्राइमरी अमीन का नेचर ऑफ केमिकल रिएक्शन अलग होता है, सेकेंडरी का नेचर ऑफ केमिकल रिएक्शन अलग होता है, टर्शरी का नेचर ऑफ रिएक्शन अलग होता है। तो ये जिस कैटेगरी में जाते हैं ये कैटेगरी भी फंक्शनल आइसमर है। जैसे अगर मान लो ऐसे बना दिया तीन कार्बन लेते हुए, ये प्राइमरी अमीन, तीन कार्बन लेते हुए ये आपका सेकेंडरी अमीन, और तीन कार्बन लेते हुए ये टर्शरी अमीन। मतलब प्राइमरी अमीन, सेकेंडरी अमीन, टर्शरी अमीन। जल्दबाजी में बच्चे को ऐसा लग सकता है कि तीन कार्बन की मेन चेन, दो कार्बन की मेन चेन, एक कार्बन की मेन चेन, हो सकता है जल्दबाजी में बच्चा चेन आइसमर बोल दे। लेकिन प्राइमरी अमीन का नेचर अलग, सेकेंडरी अमीन का नेचर अलग, टर्शरी अमीन का नेचर अलग। तो नेचर अलग मतलब रिएक्शन अलग, और रिएक्शन अलग मतलब ये आपस में फंक्शनल आइसमर है। सिमिलरली अमाइड में भी आपको याद रखना है कि कभी CO और यहाँ NH2 की बात कर रहे हैं प्राइमरी अमाइड होता है, कभी CO और यहाँ NHC की बात कर रहे होते हैं सेकेंडरी अमाइड होता है, और कभी CON इधर भी C इधर C की बात कर रहे होते हैं टर्शरी अमाइड होता है। तो कभी प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी अमाइड भी आ जाए तो भी कैटेगरी आपस में फंक्शनल आइसमर ही होगा। तो इसके अगर एग्जांपल बनाना चाहो तो ऐसे बना सकते हो कि ये मान लो आपका प्राइमरी अमाइड है, ये आपका सेकेंडरी अमाइड है, और ये आपका टर्शरी अमाइड है। तो अगर ऐसा हो गया तो भी जिस कैटेगरी में आएगा वो कैटेगरी कौन सा है, फंक्शनल आइसमर। तो नॉर्मल पिक्चर में आपको दिमाग में ये बैठाना है कि फंक्शनल ग्रुप में डिफरेंस आ गया, फंक्शनल आइसमर हो गया। लेकिन रियल पिक्चर ये बैठाना है, केमिकल रिएक्शन में डिफरेंस आ गया मतलब फंक्शनल आइसमर हो गया। क्योंकि अभी आपने फंक्शनल ग्रुप का रिएक्शन नहीं पढ़ा है, और जो रिएक्शन नहीं पढ़ा है तो केवल अंतर फंक्शनल ग्रुप समझिए। फंक्शनल ग्रुप में बदलाव आ गया मतलब फंक्शनल आइसमर हो गया। कुछ जगहें जहाँ सचेत रहना है वो ये है कि सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड OH, बेंजीन से कनेक्टेड OH, नेचर ऑफ रिएक्शन अलग। साइक्लो अल्कीन, अल्कीन, नेचर ऑफ रिएक्शन अलग। प्राइमरी अमीन, सेकेंडरी अमीन, टर्शरी अमीन, नेचर ऑफ रिएक्शन अलग। प्राइमरी अमाइड, सेकेंडरी अमाइड, टर्शरी अमाइड, नेचर ऑफ रिएक्शन अलग। याद रहेगा। तो एक बार फिर से आपको रिकैप करा दें, फंक्शनल आइसमर्स आर दोज स्ट्रक्चरल आइसमर्स विच डिफर इन फंक्शनल ग्रुप। याद रहेगा, अब फंक्शनल ग्रुप मेनली रिस्पॉन्सिबल होते हैं केमिकल रिएक्शन के लिए। तो मेन जो डिफरेंस देखने को मिलता है वो डिफरेंस देखने को मिलता है केमिकल रिएक्शन में। चलिए अब लोग देखते हैं मेटामर्स, कि मेटामर्स क्या होते हैं। चलिए अब देखते हैं मेटामर्स। तो मेटामर्स में आपको ये दिमाग में रखना है कि इसमें सबसे पहले पॉलीवेलेंट एटम या फंक्शनल ग्रुप होने चाहिए। पॉलीवेलेंट मतलब जिसमें एक से ज़्यादा वैलेंसी होती है, ठीक है। जैसे नाइट्रोजन हो गया उसकी ट्राईवैलेंसी होती है, जैसे आपका ऑक्सीजन हो गया उसकी डाईवैलेंसी होती है। तो पॉलीवेलेंट एटम होना चाहिए। तो पॉलीवेलेंट एटम, अगर मैं मेटामर की बात करूं तो आपको दिमाग में क्या रखना है, पॉलीवेलेंट एटम जैसे ऑक्सीजन, जैसे सल्फर, जैसे नाइट्रोजन, या पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप जैसे CO, जैसे SO, जैसे SO2, ऐसे बना सकते हो। जैसे आपका O, यहाँ SO, यहाँ हो सकता है O, ठीक है। मतलब पूरे को ले लेना है। तो पॉलीवेलेंट एटम या पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप, अगर इसके दोनों तरफ कार्बन, इसके दोनों तरफ कार्बन, और कार्बन में किसी भी तरह का कोई भी चेंज, कार्बन में किसी भी तरह का एनी टाइप ऑफ चेंज,
किसी भी तरह का कोई भी चेंज, बस ये ध्यान रखना है फंक्शनल ग्रुप सेम होना चाहिए। पॉलीवेलेंट एटम या पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप के अलोंग अगर कार्बन में किसी भी तरह का कोई भी चेंज करते हो, कीपिंग फंक्शनल ग्रुप सेम है, तो इस तरह के स्ट्रक्चरल आइसमर को जो नाम देते हैं वो नाम देते हैं मेटामर। बस में आ गई, फिर से बोल रहे हैं, पॉलीवेलेंट एटम या पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप के अलोंग अगर दोनों तरफ कार्बन है और कार्बन में किसी भी तरह का कोई भी चेंज कर रहे हो, किसी भी तरह मतलब पोजीशन में चेंज कर रहे हो या नंबर ऑफ कार्बन में चेंज कर रहे हो, ठीक है, लेकिन फंक्शनल ग्रुप सेम है, तो इस तरह के स्ट्रक्चरल आइसोमर को नाम देना है मेटामर। 11th क्लास में जब हाइड्रोकार्बन की बात कर रहे होते हैं तो हाइड्रोकार्बन में ऑक्सीजन, सल्फर, नाइट्रोजन ये सब नहीं होते हैं, और जो ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर वगैरह नहीं होते हैं तो मेटामर की बात 11th क्लास में नहीं आती है। लेकिन जो ही 12th क्लास में आते हैं तो डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन की बात हो जाती है, और जो डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन की बात हो जाती है तो मेटामर की बात वहाँ पर हो सकती है। तो 11th क्लास में अल्कीन, अल्कीन, अल्काइन, बेंजीन, इसमें ऑक्सीजन, सल्फर, नाइट्रोजन नहीं है, मेटामर नहीं होगा। 12th क्लास में अल्काइल हैलाइड, एराइल हैलाइड, चूँकि हेलोजन है और उसकी मोनोवैलेंसी है इसलिए मेटामर वहाँ भी नहीं आएगा। फिर अल्कोहल, ईथर, फिनॉल, अल्कोहल, ऑक्सीजन तो आ गया, एक साइड कार्बन आ गया, एक साइड हाइड्रोजन है, तो यहाँ भी मेटामर नहीं होता है। फिनॉल, बेंजीन आ गया, मतलब एक साइड कार्बन, ऑक्सीजन, एच, यहाँ भी मेटामर नहीं आएगा। लेकिन ईथर, ईथर, सी ओ सी, और जो सी ओ सी आ गया मतलब ईथर में हम मेटामर की बात कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? अगर मान लो तीन कार्बन हमने ऐसे बना दिए, तीन कार्बन ऐसे बना दिए और यहाँ ऑक्सीजन, यहाँ मिथाइल लगा दिया, और एक कार्बन इधर शिफ्ट करते हुए ऐसे बना दिए, तो ये भी ईथर है, ये भी ईथर है, ये पॉलीवेलेंट एटम के अलोंग, इधर कार्बन तीन एक है, इधर कार्बन दो दो है, तो ये जिसके एग्जाम्पल हैं वो एग्जाम्पल किसके हैं? मेटामर। अगर मैं बात करता हूँ एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, तो एल्डिहाइड में ऑक्सीजन आ गया, कीटोन में ऑक्सीजन आ गया, कार्बोक्सिलिक एसिड में ऑक्सीजन आ गया, लेकिन दिक्कत ये है कि एल्डिहाइड में पॉलीवेलेंट तो आ गया फंक्शनल ग्रुप सी ओ, लेकिन इधर सी है, इधर एच है, इसलिए मेटामर की बात नहीं होगी। लेकिन जब कीटोन की बात करोगे तो कीटोन में इधर भी सी आ गया, तो दैट मीन्स पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप के अलॉन्ग इधर कार्बन कार्बन आ गए, मतलब मेटामर की बात हम सोच सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं अमीन्स, तो अमीन्स में तीन तरह के अमीन्स, प्राइमरी अमीन, सेकेंडरी अमीन, टर्शियरी अमीन। तो प्राइमरी अमीन में एक तरफ नाइट्रोजन का तो कार्बन है लेकिन दो तरफ कार्बन नहीं है, और दो तरफ की बात हाइड्रोजन है, तो मेटामर की बात प्राइमरी अमीन में नहीं होगी। लेकिन अगर ये सेकेंडरी अमीन हुआ, सेकेंडरी अमीन हुआ, तो यहाँ मेटामर की बात कर सकते हो, टर्शियरी अमीन हुआ तो यहाँ मेटामर की बात कर सकते हो। तो एनसीईआरटी के पॉइंट ऑफ व्यू जहाँ जहाँ मेटामर हो सकता है वो हो सकता है ईथर, वो हो सकता है कीटोन, वो हो सकता है सेकेंडरी अमीन, वो हो सकता है टर्शियरी अमीन। लेकिन अगर एनसीईआरटी से थोड़ा बाहर निकल जाएं और कॉन्सेप्चुअली चीज़ों को सोचें तो हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए पॉलीवेलेंट एटम या पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप और दोनों तरफ कार्बन। तो दोनों तरफ कार्बन, तो कहानी में ईथर हो सकता है, तो कहानी में एस्टर भी तो हो सकता है, कहानी में एसिड एनहाइड्राइड भी तो हो सकता है, मतलब इनमें मेटामर सोच सकते हो। अगर मैं सल्फर को पकड़ लूँ तो कहानी में थायो ईथर भी हो सकता है, कहानी के अंदर थायो एस्टर भी हो सकता है, कहानी के अंदर सल्फर का एनहाइड्राइड भी हो सकता है। अगर मैं नाइट्रोजन को पकड़ता हूँ तो सेकेंडरी अमीन, टर्शियरी अमीन तो हो ही सकते हैं, आप सेकेंडरी अमाइड में भी, सेकेंडरी अमाइड में भी मेटामर सोच सकते हो, टर्शियरी अमाइड में भी मेटामर सोच सकते हो। मतलब मेटामर वाली बात कोई लिमिटेशन नहीं है कि बस इन्हीं में सोचना है, हम एस्टर में भी सोच सकते हैं, एनहाइड्राइड में भी सोच सकते हैं, सल्फर का भी ईथर में सोच सकते हैं, सल्फर का भी एस्टर में सोच सकते हैं, सल्फर का भी एनहाइड्राइड में सोच सकते हैं। इवन हम अगर इधर आगे बढ़े तो सी ओ में तो सोच ही सकते हैं, हम यहाँ पे सी, यहाँ एस ओ सी, इसमें मेटामर सोच सकते हैं, यहाँ सी, यहाँ एस ओ, यहाँ सी, इसमें मेटामर सोच सकते हैं, यहाँ सी, यहाँ ओ, यहाँ एस ओ, यहाँ ओ, यहाँ सी, इसमें मेटामर सोच सकते हैं। इवन अगर आप चाहें तो यहाँ सी, यहाँ एस ओ, और यहाँ ओ, और ये सी, इसमें मेटामर सोच सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि इतने को एक साथ पकड़ लो, इतने को एक साथ पकड़ लो, इतने को एक साथ पकड़ लो, इसको एक साथ पकड़ लो, और अगर पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप या पॉलीवेलेंट एटम्स हैं, अगर उसके दोनों तरफ कार्बन हैं, दोनों तरफ कार्बन है और कार्बन में किसी भी तरह का कोई भी चेंज है, बस फंक्शनल ग्रुप सेम होना चाहिए, अगर इस तरह से आ गया मतलब मेटामर हो जाएगा। याद रहेगा, फिर से बोल रहे हैं,
पॉलीवेलेंट एटम या पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप के अलोंग अगर दोनों तरफ कार्बन है और कार्बन में किसी भी तरह का कोई भी चेंज की बात कर रहे हो, मतलब आपस में एटमर हैं। डिफरेंस क्लियर है? चलिए, अब क्वेश्चन आया कि सर अगर दो कंपाउंड्स आ गए तो उसमें सबसे पहले किसको देखना है, उसमें सबसे पहले किसको देखना है, क्या चेन को देखना है, क्या पोजिशनल को देखना है, या मेटामर को देखना है, या फंक्शनल को देखना है, किसको देखना है। तो जब प्रायोरिटीज की बात करें, तो प्रायोरिटीज में सबसे पहले आपको दिमाग में रखना है फंक्शनल। क्योंकि फंक्शनल ग्रुप में चेंज आ गया, मतलब फैमिली में चेंज आ गया। तो सबसे पहले दिमाग में रखिए फंक्शनल, फंक्शनल ना हो तब दिमाग में रखिए मेटामर। फंक्शनल ना हो तब दिमाग में रखिए मेटामर, मेटामर भी ना हो तब दिमाग में रखिए चेन, और चेन भी ना हो तब दिमाग में रखिए पोजिशनल। मतलब अगर कभी प्रायोरिटीज वाइज सोचना हो तो सबसे पहले सोचना है फंक्शनल, फंक्शनल नहीं है तब सोचना है मेटामर, मेटामर भी नहीं है तब सोचना है चेन, और चेन भी नहीं है तब सोचना है पोजिशनल। अगर मॉलिकुलर फॉर्मूला लिखा है तो उसके बहुत सारे स्ट्रक्चर बन सकते हैं, और जब बहुत सारे स्ट्रक्चर बन सकते हैं तो बहुत तरह के रिलेशन भी हो सकते हैं। लेकिन एक बार कंपाउंड फिक्स हो गया कि एक ये है और एक ये है, तो इनके बीच में केवल एक ही रिलेशन होगा, और इनके बीच में केवल एक ही रिलेशन होगा तो सबसे पहले आपको सोचना है फंक्शनल, फंक्शनल ना हो तब सोचना है मेटामर, मेटामर भी ना हो तब सोचना है चेन, और चेन भी ना हो तब सोचना है पोजिशनल। याद रहेगा? अगर मान लो कुछ क्वेश्चन दें और आपसे पूछें कि बताइए इनके बीच में आपस में किस तरह का रिलेशनशिप है, तो क्या बता दोगे, बता दोगे? चलिए सोचिए, कुछ एग्जांपल लेते हैं, जिससे आपका कॉन्सेप्ट थोड़ा और अच्छी तरीके से बन जाए। चलिए सोचिए, अंतर को समझिएगा। जैसे मान लो मैं ऐसे दे दूँ, यहाँ कर दूँ OH, यहाँ कर दूँ मिथाइल, और अगर मैं ऐसे दे दूँ यहाँ कर दूँ OH और यहाँ कर दूँ मिथाइल। फिनॉल, फिनॉल फंक्शनल नहीं है। ऑक्सीजन के एक तरफ कार्बन एक हाइड्रोजन, मतलब मेटामर भी नहीं है। चेन मेन चेन बेंजीन, का ही है, साइड चेन मिथाइल, का भी है, चेन भी नहीं है, तो है क्या? पोजिशनल। पोजिशन मिथाइल टू मिथाइल फिनॉल, पोजिशन मिथाइल थ्री मिथाइल फिनॉल, तो ये आपस में एग्जाम्पल किसके हैं? पोजिशनल आइसोमर्स। ये किसके हैं? पोजिशनल आइसोमर्स। लेकिन जरा ध्यान से इसको देखिएगा और अंतर को समझने की कोशिश करिएगा। अगर मैं ऐसे कर दूं और अगर मैं ऐसे कर दूं, अब दोनों के अंतर को, समझने की कोशिश करिएगा। इस कंपाउंड को बोलते हैं एनिसॉल, तो दिमाग में आ सकता है टू मिथाइल एनिसॉल, थ्री मिथाइल एनिसॉल। पोजिशन ऑफ मिथाइल में अंतर है, पोजिशनल आइसोमर है, सबसे पहला दिमाग कहेगा। लेकिन हेट्रो एटम के इधर भी कार्बन, मतलब ईथर फंक्शनल ग्रुप, है, मतलब फंक्शनल तो नहीं है लेकिन मेटामर वाली कंडीशन आ रही है। हेट्रो एटम के दोनों तरफ कार्बन आ गया, और कार्बन में किसी भी तरह का कोई भी चेंज आ गया, मतलब अब आपको पोजिशनल नहीं बोलना है, अब आपको क्या बोलना है? मेटामर है। तो ये जिसका एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल क्या है मेटामर। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि एक से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप ले ले और उसको लेकर क्वेश्चन बना ले। जैसे मान लो ऐसे बना लिया, यहाँ लगा दिया ऑक्सीजन, यहाँ लगा दिया CO, यहाँ लगा दिया मिथाइल, ये कर दिया ऐसे, ऐसे बना दे, यहाँ कर दे CO, ये हो गया ऑक्सीजन, ये आपका हो गया ऑक्सीजन, ये हो गया CO, कुछ ऐसे बना दे और ऐसे बना के क्वेश्चन पूछ ले। तो यहाँ देखो तो दो चार दो छः कार्बन यहाँ एस्टर डाइएस्टर, ये भी डाइएस्टर है, ये भी डाइएस्टर है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ CH3CO यहाँ तक तो कॉमन है, लेकिन O के आगे CH2, इधर CO है, इधर O है, तो इसका मतलब हेट्रो एटम के अलोंग डिफरेंस देखने को मिल गया। और जो हेट्रो एटम के अलोंग डिफरेंस देखने को मिल गया तो ये भी जो एग्जाम्पल बनेंगे वो एग्जाम्पल बनेगा मेटामर। एग्जाम्पल क्या बनेगा? मेटामर। मतलब एस्टर डाइएस्टर, फंक्शनल ग्रुप में अंतर नहीं है लेकिन हेट्रो एटम के अलोंग कार्बन में चेंज है,
और जो हेट्रो एटम कहलाऊँ अटैचमेंट में चेंज है, कार्बन में चेंज है, मतलब बात किसकी है, मेटामर। तो अच्छी तरीके से फिर से दिमाग में थॉट्स को बैठाइए। स्ट्रक्चरल आइसोमर्स में अगर चेन को पहचानना है तो मेन चेन साइड चेन का डिफरेंस, लेकिन फंक्शनल ग्रुप सेम। पोजिशनल पहचानना है तो मेन चेन साइड चेन फंक्शनल ग्रुप सेम, पोजिशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप मल्टीपल बॉन्ड सब्स्टिट्यूशन में अंतर। फंक्शनल पहचानना है तो फंक्शनल ग्रुप में डिफरेंस, केमिकल रिएक्शन में डिफरेंस, फैमिली में डिफरेंस। अगर बात करना है मेटामर तो हेट्रो एटम पॉलीवेलेंट एटम के दोनों तरफ कार्बन या पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप के दोनों तरफ कार्बन, कार्बन में किसी भी तरह का कोई भी चेंज, तो बात किसकी होगी, मेटामर। याद रहेगा हम टॉटमर की बात अभी यहाँ पर नहीं करेंगे। टॉटमर में एसिडिक हाइड्रोजन को पहले समझाना होता है, वहाँ एक जगह का हाइड्रोजन तीसरी जगह पर मूव करता है। तो पहले जब एसिडिक हाइड्रोजन का कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में प्रॉपर तरीके से बैठ जाएगा तब हम लोग टॉटमर की बात करेंगे। तो एसिडिक हाइड्रोजन को मैं आपको समझाऊंगा इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट में, GOC में। तो जब GOC हम देखेंगे, रेजोनेंस क्या होता है, हाइपर कंजुगेशन क्या होता है, इंडक्ट इफेक्ट क्या होता है, उसी के एप्लीकेशन में हम कहीं ना कहीं टॉटमर की बात करेंगे। तो स्ट्रक्चरल आइसोमर अभी आपको केवल फोकस चार पे करना है, चेन आइसोमर, पोजिशनल आइसोमर, फंक्शनल आइसोमर और मेटामर्स। ठीक है, प्रायोरिटीज में सबसे पहले फंक्शनल, फिर मेटामर, फिर चेन, फिर पोजिशनल। तो इतने से अगर क्वेश्चन आए लगा लोगे, बताइए, इतने से अगर क्वेश्चन आए लगा लोगे, लगना चाहिए। तो कुछ क्वेश्चन मैं दूंगा, उन क्वेश्चन को लगाइए, डाउट्स आए पूछिए और अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करिए। नेक्स्ट क्लास से हम लोग स्टीरियो में जाएंगे और स्टीरियो में सबसे पहले हमारा फोकस होगा ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में GI चालू करेंगे। गुड लक, गुड डे।